वेलकम बैक, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले जो कि 20 मैच होने वाला प्रो कबड्डी का, बंगाल वॉरियर्स वर्सेस पटना पैरिस, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फुल प्रीव्यू करने वाले हैं, स्टार्टिंग 7, रीडिंग, डिफेंस, फुल डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन के साथ हम बात करने वाले हैं। आपके लिए हम वीडियो लाने की हमेशा कोशिश करते हैं, आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टार्टिंग 7 की, तो बंगाल वॉरियर्स की स्टार्टिंग 7 जो होने वाली है, गाइस मेन रेडर में आपको मनिंदर सिंह और स्पोर्ट रेडर में आपको श्रीकांत यादव और नितिन कुमार देखने को मिलने वाले। कवर में आपको भैव गर्जी और शेर सुमरन देखने को मिले हुए। कॉर्नर्स की बात है तो राइट में आपको शुभ शिंदे और लेफ्ट में आपको आदित्य शिंदे देखने को मिलने वाले हैं। अगर टीम की बात करें तो जो पिछला मैच इन्होंने जीता है। उसके बाद अगर हम बात करें पटना पैरिस की स्टार्टिंग 7 की, तो उसमें आपको मेन रेडर के तौर पर सचिन तंवर देखने को मिले। तो उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट रेडर में आपको मंजीत दहिया और सुधाकर एम देखने को मिलने वाले हैं। कवर्स में नीरज कुमार और लेफ्ट में आपको सचिन सिंह देखने को मिलने वाले हैं। कॉर्नर्स में आपको कृष्ण दुल और अंकित जागलान देखने को मिलने वाले हैं। और पटना पैरिस ने भी अपना पिछला मैच जीता है। अगर दोनों टीमों की बात करें तो पहले हम बात करें बंगाल वॉरियर्स की, तो बंगाल वॉरियर्स की जो आपको पता है डिफेंडर में शुभ शिंदे, जिन्होंने के पिछली बार जो कि कल मैच हुआ था तमल थलाईवास के खिलाफ बंगाल वॉरियर्स का, वहाँ पर बंगाल वॉरियर्स के जो डिफेंडर है शुभ शिंदे, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, जहाँ पर उन्होंने अकेले उन्हें 11 टैकल हासिल किए थे, जहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था शोभा शिंदे के तरफ से, जहाँ पर फुल मतलब डिफेंस को लीड कर रहे थे। और रेडर्स की बात करें तो मनिंदर सिंह ने वहाँ पर 16 पॉइंट हासिल किए। मनिंदर सिंह ने भी सुपर रेड लगाई मैच में एक दो, और स्पोर्ट में इनका कोई नहीं चल रहा, जैसे श्रीकांत यादव वो नहीं चल रहे हैं। नितिन कुमार ने भी सिर्फ 7 पॉइंट हासिल किए। और उसके बाद अगर हम बात करें पटना की, तो पटना में आपको सचिन ने पिछले मैच में 4 पॉइंट और सुधाकर एम ने 6 और अंकित जागरण ने 4, संदीप नरवाल ने भी 4 और कृष्ण और मंजीत ने 2-2 पॉइंट हासिल किए। दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों में कुछ अनुभवी प्लेयर हैं और कुछ जंग प्लेयर होने वाले हैं। मतलब अगर मैच की बात करें तो कोई भी टीम जीत सकती है, 50-50 चांस है दोनों टीमों का जीतने का। मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से बंगाल वॉरियर्स ये जीत सकती है जो कल मैच होने वाला है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।